नमस्ते, मेरा नाम है प्रिंस बहादुर सिंह और आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। ये त्यौहार भाई बहन के प्यार और आस्था का प्रतीक है। इस त्यौहार में बहनें अपने भाइयों के हाथ पे कलावा बांधकर उनसे अपने रक्षा की संकल्प मांगती हैं और भाई सभी भाई अपने बहनों से हाथों पर कलावा बंधवाकर अपनी रक्षा करने का बहनों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तो इस त्यौहार में जो बाजार है वो गर्म होता है, मतलब कि शॉपिंग्स खूब सारी होती हैं, कपड़े खूब खरीदे जाते हैं, रक्षाबंधन की राखियां खरीदी जाती हैं। तो आज हम आर सोनी न्यूज की पूरी टीम के साथ निकले दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में। यहाँ पर हमने हाल जानने की कोशिश करी कि जो दुकानदार है उनकी स्थिति क्या है इस बार के रक्षाबंधन के त्योहार पर, माहौल कैसा है बाजार का, और जो बहने हैं जो भाई हैं वो कैसी शॉपिंग कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं और कितना एक्साइटमेंट है लोगों के बीच में। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट है। दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाले मार्केट में से एक है। यहाँ पर आमतौर पर काफी शॉपिंग होती है। देश भर में ये सबसे ज्यादा फेमस मार्केट है जहां पर लाखों का कारोबार रोज करते हैं व्यापारी। लेकिन आज जब हम रक्षाबंधन के दिन बाजार का हाल जानने के लिए पहुंचे और हमने सोचा कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही हैं, दुकानें कैसे लगी हुई हैं और लोग क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में, लोगों के बीच में जो इस त्यौहार को मनाने वाले लोग हैं उनके बीच में कैसा उत्साह है, कैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस त्यौहार का, तो हमें लगा कि आम दिनों जैसा भी आज भी देखने को मिल रहा है सरोजनी नगर मार्केट में कि लोग उतनी मात्रा में शॉपिंग कर रहे हैं। कहीं बहुत ज्यादा वाली भीड़ हमको नहीं दिखाई दी और जब व्यापारियों से बात करी तो उनका एक कहना था कि ऑनलाइन मार्केट पे सब कुछ उपलब्ध होने की वजह से आज हमारे पास जो है कस्टमर्स उतने ज्यादा नहीं आते जितने पहले के दिनों में आया करते थे। तो एक वजह यह भी है कि ऑनलाइन मार्केट की वजह से यहाँ पर दुकानदारों का व्यापार थोड़ा सा कम हो रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार है, मार्केट कैसे चल रही है? ठीक है यार, मतलब पहले की तुलना में कैसे? पहले की तुलना में बहुत कम है, पहले से बहुत कम। अच्छा, जो पिछले साल राखी का त्यौहार था साल बढ़िया बढ़िया था, इस बार का मतलब क्या कितना डाउनग्रेड दिख रहा आपको? है डाउन, काफी डाउन, मतलब 50% कस्टमर डाउन है। सोच के ले रहा, पता नहीं कहाँ से ले रहा। ऑनलाइन मार्केट का कुछ असर पड़ रहा है आपको? ऑनलाइन का भी असर पड़ रहा है, ये तो है, ऑनलाइन का असर है। तो अभी ये पूरा धंधा जो है आपका कुछ ना कुछ तो डाउन हुआ है ऑनलाइन? तो बहुत डाउन है, कुछ ठीक तो बहुत डाउन हुआ है। ऑनलाइन मार्केट में ये होता है कि हमें जो चीज़ दिखती है वो चीज़ एक्चुअली होती नहीं है, और ये राखी है जी। मतलब हमेशा हमेशा भाई हमारे लिए लेके आते हैं, हर बार पूरा साल भाई देते हैं, इस साल हमें उनके लिए राखी। और मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी राखी सबसे अलग होनी चाहिए, मतलब दिखना साल भर में एक बार लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ये राखी तो जो राखी मेरे भाई की कलाई पे वो बेस्ट हो। तो इसलिए मैं रक्षाबंधन आपने कुछ डिफरेंट कैसे सोचा कि ये सेलिब्रेट कैसे करेंगे डिफरेंट? एक्चुअली ये थोड़ा इमोशनल ईयर भी है मेरे लिए, मेरे फादर की डेथ अभी रिसेंटली ही हुई है, तो ये पहला त्यौहार पड़ रहा है, तो मेरे सारे भाई बहुत ही लो फील कर रहे हैं। तो मुझे है कि नहीं, इस बार हमें ये दिखाना है कि यूनाइट होना है, हमें यही है कि उनको इनकरेज करना है, उनका एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मतलब वो सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं पापा नहीं है तो नहीं, हमें ये दिखाना है कि पापा चले गए तो क्या, वो जो हमें सीख दे के गए हैं वो तो हमें एक साथ रहने वाली है ही। तो इसलिए भी मैं मार्केट मैंने सिल्वर गोल्ड सब देखने के बाद मैं मार्केट्स में भी आज आई हूँ।